बच्चियो भैनों अते भरावो सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक साल तो वध हो गया आपां नूं इह अंदोलन शुरू कीतिआं। मैं कई बारी जिक्र कीता है मेरे जहन विच उदों इह गल आ गई सी 2017 विच जदों एक मीटिंग विच इह कहा गया कारपोरेट हाउसिज वल्लों भी जे खेती चों खड़ोत खत्म करनी है इहदे लई इनवैसटमेंट चाहीदी है। इनवैसटमेंट किसानां कोल है नहीं, कारपोरेट हाउसिज नूं बेनती करो वह इनवैसटमेंट करन। कारपोरेट हाउसिज ने कहा भी असीं तैयार हाँ पर साडी शर्त है। शर्त की है भी सानूं 5-5, 7-7 हज़ार एकड़ दे जमीन दे टुकड़े कलस्टर बना के 50 साल लीज ते दे दिओ, उहदा ठेका सरकार तय कर दे ते असीं खजाने जमा करा दांगे ते किसानां नूं उह ठेका उहनां दे खात्यां च पा दित्ता जाए। पर उह जदों असीं खेती करावांगे तां साडे काम विच दखल नहीं देणगे। ਇਹ 2017 10 अक्तूबर ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ, ਜੇ ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਏਕੜ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਗੰਡਾਸਾ ਹੋਊ ਤੁਹਾਤੇ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੂੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ 2 ਔਰ ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਛੜੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ UP ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਆਈ AC ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੱਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਫੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ।
जदों तुसी उठे ही ना, सरकार ने एजेंसियां राही तरह तरह के षड्यंत्र रचे, तुहानू मोर्चे नू तोड़न की कोशिश की, बहुत ढंग वरते, बड़ा कुछ इत्थे होया, तुसी अपने पिंडे ते हंडाया, ते उहदे बाद जदों सरकार तुहाडा कुछ ना बिगाड़ सकी, आ दो महीने तीन महीने पहला ये सोचना शुरू किया कि ये तो बहुत वड्डा नुकसान करनगे। तुहानू मैं दस्या कि जदों बंगाल की चोण होई उदों असीं सारे ने इकट्ठे हो के कहा केंद्रीय मंत्रियों नू जिहड़े साडे नाल गलबात करदे सी, उहनां नू कहा भी सानू मजबूर ना करो, साडा इह काम नहीं, जे इस पासे तुरोगे तां वोट ते चोट मारांगे, असीं बंगाल च जावांगे। उहनां ने साडा चैलेंज कबूल कर लिया, ते साडे कोल बंगाल विच सच्ची पुछो कुछ नहीं सी। जिदन पहले दिन असीं गए उदन दो किराए दे ट्रैक्टर सी, और जिदन असीं पहला जलूस कढ़िया सानू हौसला उदों मिलिया जदों जलूस तुरिया साडे पंजाबी भरा साडे नाल सी, कोई 500-700 पंजाबी वीर सी, पर आले दुआले दे बंगाली वीर दुकाना बंद कर करके साडे जलूस दे नाल रुड़ गए, और एक बहुत वड्डा जलूस बन गया। उस दिन असीं महसूस किया भई हुण नहीं हारदे। उत्ते थोड़े दिन लाए कुछ रैलियां कीतियां, बीजेपी नूं मांझता, तो मैं आ यूपी दा शुरू हो गया। असीं इहनां नूं कहा भई यूपी राही होके प्रधानमंत्री दी कुर्सी नूं रस्ता जांदा है, सानूं मजबूर ना करो भी असीं यूपी च भी बंगाल वाला काम शुरू करिए। वो कहिंदे कर लो। फिर तुसीं मुजफ्फरनगर कीता, उत्थे इहनां दी राजनीति धर्म दी राजनीति है, हिंदू मुसलमानां नूं लड़ा के अपना काम कढ़दे ने, सिखां नाल हिंदुआं नूं लड़ा दिंदे ने। ते उत्थे मैं सब तो पहली गल राकेश टकैत नूं कही भी काका तेरा काम सब तो औखा है, मुजफ्फरनगर च होए सी दंगे, जा के मुसलमान भरावां नूं मना, उन्हां नूं नाल लेके आ। जिस दिन मुजफ्फरनगर रैली होई, मुसलमान वीरां ने 500 लंगर लाए हुए सी तुहाडे मुजफ्फरनगर च, 500 और 30-30, 40-40 किलोमीटर विच सड़कां दे दुआले जिहड़े पिंड वसदे सी, उन्हां पिंडां दे लोकां ने अपने घरां दे दरवाजे तुहाडे लई खोल दित्ते सी। मुजफ्फर च इन्नी मुजफ्फरनगर विच तुहाडी गिणती पहुँच गई सी, उन्होंने कहता सी साडे घर तुहाडे लई खुले ने, इत्थे सौं, इत्थे ही असीं तुहाडी सेवा करांगे, ते तुसीं इत्थों ही कल नूं रैली दे विच चले जाणा। तो उदों मुढ बज गया सी बीजेपी दे पतन दा। रैली होई, मैं एक दिन पहला किसे रिश्तेदार दे कोल चला गया, उत्थे बहुत सारे पंजाबी मेरे कोल आके कही जाण भई जी हुण तां तुसीं सरकार बदल के जाओगे। मैं क्या कि ये किवें? कहिंदे जी आ जिहड़ी ग्राउंड चुनी है इहदा इतिहास है। इतिहास ये है भई जे ग्राउंड पूरी भर जावे तां सरकार बदल जांदी है। कहिंदे असीं 4-5 वारी देख चुके ते सानूं पता इस वारी तुसीं ओवरफ्लो कर देनी है, और हालत यह हो गई ग्राउंड एक पासे छड्डो, मुजफ्फरनगर दीआं सड़कां ते कई कई किलोमीटर च साउंड सिस्टम फिट सी, गर्मी के बावजूद लोग साउंड सिस्टम के कोल खड़ के सड़कों पर खड़ खड़ के तुहाडियां स्पीचां सुनते रहे। मुजफ्फरनगर विच तुसी एक नवा हड़ लै आंदा, उहदा नतीजा यह होया भी इहनां नूं थोड़ी जी कुसकुसी होई, फिर भी चलता रहा। मंगा एवें नहीं मनिया, मोदी गया विदेश, वाशिंगटन च गया, मैनू उतों सुनेहा मिलिया भई जी एक वीडियो पाओ, लोग इकट्ठे होण विरोध करन। वीडियो पाई वाशिंगटन च, इहनू इहदी गड्डी नूं किते खड़न नूं थां नहीं मिली, जिथे जावे उत्थे मुजहरा। उस तों बाद इह आ चला गया UNO च, न्यूयॉर्क तों मैनू सुनेहा आया भी वीडियो पाओ, असी UNO च इहदे खिलाफ मुजहरा करना। इन्ने लोग इकट्ठे हो गए उत्थे, तुहाडे हमदर्द
यूएनओ दे बिल्डिंग दे चार गेट ने, एक मूरे बहुत फोर्स लाई हुई सी ते तीन गेटा ते सारा तुहाडा कब्जा सी। ते जदों नारे लग रहे सी तां सैकटरी जनरल यूएनओ दा अपने स्टाफ नूं भेज के पुछदा है भी जिहड़े हेठां नारे लग रहे ने उन्हां नूं पुछ के आओ की तकलीफ है। उन्होंने एक मेमोरेंडम देता ते गां ओह बड़ा ग्रेट सी बंदा, उन्हें वह मेमोरेंडम लोग सारे जिहड़े डिप्लोमैट सी दुनिया दे उन्हां दे सामने वह पढ़ना शुरू करता मेमोरेंडम नूं, जिहदे च पहली वह लाइन ये लिखी सी भी मोदी इत्थे आया है इहदे ते पाबंदी सी भी इन्हें गुजरात च दंगे करवा के लोग मारे, इनू अमरीका का वीज़ा नहीं मिल सकता, इनू तुसी क्यों इजाजत दिती थे इत्थे आउण दी। इत्थों जदों अगे वधिया फिर किसान अंदोलन की गल छिड़ी, उतों जिहड़े दुनिया के डिप्लोमैट सी इहदे विरोध च उठना शुरू हो गए, दो तिहाई डिप्लोमैट उठ के चले गए, एक तिहाई स्ट्रेंथ रह गई, इदों वड्डी बेइज्जती होर की हो। सारी दुनिया के दो तिहाई मुल्कां दे डिप्लोमैट इहदी गल सुण तों इनकारी हो गए। फिर इत्थे आके इत्थे ही नहीं रुकिया, इत्थे आके इन्हें रिपोर्ट मंगी भी यूपी च मेरा की हाल है, एक रिपोर्ट आ गई भी 100 सीट हार दे। इन्हें कहा कोई नहीं, इन्ने के नाल तो कुछ नहीं हुंदा, थोड़े दिन तुसी होर यूपी मिशन चलाया। फिर एक रिपोर्ट इन्हें आप तैयार करवाई, कहिंदे 210 सीटां हार दे। इन्हें कहा 430 सीटां ने, 210 403 सीटां ने, 210 हार गए, साड़ी सरकार तो गई। उदण इनू नींद नहीं आई, उदण फिर इन्हें कहा आ जिहड़े बाबे बैठे ने ये पंजाब तो ने, इन्हों का इतिहास बिल्कुल सही इतिहास है, इन्होंने नहीं उठना, ये नहीं वापस मुड़ते, इन्हों की गल मनो। ता मनिया तुहाडा इतिहास उदण याद आया जिदण इनू पता लग गया भी साढ़े पैरों हेठों जमीन इन्होंने खिसका दिती, उस तो बाद फिर इन्हें तुहाडी गल मनी। अगले दिन गुरपुरब सी, उठ के किसे नूं नहीं पुछया, कहिंदा तीन दे तीने कानून वापस और मैं माफी मंगदा। फिर केसां दा मामला सी, बहुत सारे केस तुहाडे ते परचे दर्ज ने, यूपी दा लखीमपुर खेड़ी दा मामला सी, लखीमपुर खेड़ी का केस सुप्रीम कोर्ट च दो रिटा ने और सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी दे विच उहदी जांच करवा रहा है, इस करके असी जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट की जांच है उहनू उड़ीक रहे हां। सुप्रीम कोर्ट साडे हक च बोल रही है, इस करके असी मीटिंग च फैसला किया पहला, हाले उत्थे देख लीए की है। यूपी वाले कहिंदे जी साडे केस नू ना छेड़ियो। तो इस तरह जदों बाकी केसां दी गल होई, कल एक चिट्ठी भेज के उन्होंने कहा केस भी वापस ले लैने, कुछ असी इतराज़ किया जो भी दूर करके एक नवी चिट्ठी भेजती, कहिंदे सारी मंगा मान लैने। तो मैं समझदा ये बहुत वड्डी एक इतिहासिक जित है जिहड़ी दुनिया च कदे नहीं होई, कोई कानून बनिया होवे पार्लीमेंट दे विच ते उही पार्लीमेंट कानून लागू होने तो पहला उन्हें वापस ले ले, ये अज तक इतिहास किते नहीं होया, इत्थे ही नहीं सारी दुनिया च नहीं होया। हुण जिहड़ी अज चिट्ठी आई है उहदे ते जिन्ने केस हुण तक बने ने, चाहे किसे सूबे च बने ने, नौजवानां दे केस ने, साडे केस ने, किसे ते भी किसे कोई भी केस नहीं रहेगा, सारे वापस ले कि सरकार तुरंत प्रभाव तो। MSP ते कहिंदे कमेटी बनाउणे आ, MSP दा बहुत वड्डा विषय है, इहदे विच एक दिन विच नहीं बनना, इहदे च बहस होनी है मार्केटिंग किवें हो, फाइनेंस कित्थों आउणगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित नहीं हुंदी, CACP दी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की ने, ये एडा वड्डा विषय जिहदे च बहुत लंबी चौड़ी बहस होएगी, उहदे बाद कानून बनेगा। और उहदे लई असी अंदोलन वापस नहीं लिया, खत्म नहीं किया अंदोलन,
अज असी मीटिंग च फैसला किया भी अंदोलन नू मुअत्तल कर दिओ, फौजां नू थोड़ा आराम करके रीचार्ज होण दिओ। 15 जनवरी नू फिर मीटिंग सद लई SKM दी दिल्ली च, ओ अंदोलन दी अगली रूपरेखा तय करेगी। MSP लेनी है, साडा गुजारा नहीं इहदे बिना। मैं एक तुहानू छोटी जी गल करनी चाहांगा, साढ़े जिहड़े आम पिंडां च किसान वसदे है वो अपनी किस्मत नू कोसी जांदे है। जे गरीबी आ गई कहिंदे मेरी किस्मत माड़ी है तां गरीबी आ गई, उहनू पता ही नहीं भई तुहानू लुट्टण दा ढंग की है। सरकार ने जिहड़ा कमीशन तुहाडे भावित है उहनू जिहड़ियां हदायतां कीतियां होईयां जिहनू टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहिंदे ने, वह टोटली तुहाडे खिलाफ ने। वह भाव मिथ ही नहीं सकता, सिफारिश कर ही नहीं सकता, उहदे ते पाबंदी है भई तुसीं वह भाव मिथना जिहदे नाल महंगाई ना वधे। हुण महंगाई तो बहुत सारे कारण ने, सरकार दीआं पॉलिसियां उहदा एक वड्डा कारण है, तो इहदे करके सज़ा किसान नूं दे दिओ। कहिंदे इंडस्ट्री की कॉस्ट स्ट्रक्चर ते ना माड़ा प्रभाव पवे। हुण ये इंडस्ट्री चलाउणा किसान दा दी जिम्मेवारी है। इस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना प्रभावित होवे। बहुत इहो जिहे मुद्दे ने जिन्हां दी किसान दा नेड़े तेड़े दा भी संबंध नहीं, उहदी वजह करके तुहानू पा घट दित्ते जांदे ने। तुहाडी लेबर कॉस्ट ठीक नहीं गिनी जांदी, तुहाडी अपने परिवार की लेबर पूरी नहीं गिनी जांदी, और तुहाडी स्किल्ड लेबर नहीं गिनी जांदी। ये गल्लां बहुत लंबा चौड़ा विषय है, मैं अज दा सिर्फ टूक मात्र तुहानू दस रहा। वो असली कारण है जिहदे करके तुहाडे घर च गरीबी आई। अज सवा 1900 रुपया तुहाडी कणक दा भा है, जे सही अर्थां विच सारे खर्चे गिण के तुहानू भा दिता जाए तां इह 3000 दे उत्ते बणदा। जिहड़ा 1000-1200 रुपया तुहाडा घट मिथिया, वह तुहाडे घर विच गरीबी लै किता घाटे दा हो गया। ये सानू समझना पएगा भई है की मुद्दा है। तो उहदे ते असी 15 जनवरी नू मोर्चे की अगली रूपरेखा तय करांगे। MSP दे उत्ते की करना है, सरकार कमेटी किदां दी बनाउंदी है, उहदा अधिकार खेत्र की होएगा कमेटी दा, कमेटी विच किहो जिहे लोक मैंबर ले जांदे ने, ये बहुत मुद्दे ने। वह सारे 15 जनवरी नू विचारांगे। पर अज सारी दुनिया तुहाडे वल देख रही है, तुहाडी ये जित दुनिया दे विच लामिसाल जित है। ये भी जरूरी है भी अपनी जित नूं जित मन्नो। जदों कुछ लोग कहिंदे ने नहीं जी ये तो 50% जित है, वह भले मन सो जिदन लड़ाई तुरी सी 3 कानूनों तो, उहदे विच मंगां जुड़दियां चली गईयां, उहदे विच डीजल की कीमत भी जुड़ गई, उहदे विच MSP भी जुड़ गई, उहदे च बहुत सारे मुद्दे जुड़ गए। ज्यों ज्यों जुड़ी गए असीं अगे दे ही गए। तो ये नहीं इहदा मतलब भई लड़ाई खत्म हो गई। किसानां दी लड़ाई बहुत लंबी है, पता नहीं किन्नी देर चलू। पर मैं तुहानू एक बेनती करनी है, जिथे तुहानू सारे नू ये वधाई दिना, उत्थे उहनां शहीदां नू नतमस्तक होना जिन्हां ने अपनी जान की कुरबानी दे के इस अंदोलन नू मजबूत किया। उहनां लई सरकार ने लिखती वादा कर लिया भी उन्होंने भी मुआवजा दिता जाएगा। और हरियाणे का तो कल इतने से भी ज पहला 17 की लिस्ट कही हरियाणे वाले ने भी 70 शहीद होए है, वह कहते 17 के पैसे चंडीगढ़ों जाके ले लो। फिर साढ़े एक साथी ने कहा नहीं जी 123 हो गए, वह कहते कल 123 के भी ले लियो। तो ये जिहड़ा मुआवजा है उहदी कोई गल नहीं। एक नुक्स रह गया, उस हरियाणे की विधानसभा ने एक मता पास करके जिहड़ी DC रेट दीयां नौकरियां ने उहनां ते पाबंदी लाई हुई है। पंजाब चो नहीं, पंजाब विचो DC रेट दीयां नौकरियां देई जा रहे ने, और जिन्ने लिस्टां जांदियां उहनां नूं ओह नौकरी भी मिल रही है ते पैसे भी मिल रहे ने। जिन्नी देर तक हरियाणे दी विधानसभा ये जिहड़ी पाबंदी है वह खत्म नहीं करती उदों तक नौकरी का मसला हले अड़िया होया है। तो मैं सारा कोशिश की है तुहानूं दस्सण दी, पर एक तुहानूं मैं बेनती करांगा, ये अंदोलन आने वाले समय च इन्हें सारी दुनिया नूं एक रस्ता दिखाया। मेरे साथी इत्थे कह रहे थे मोदी दी 56 इंच की छाती, वह भी सारे ने याद की मोदी है तो मुमकिन है, मोदी पिछे मुड़दा नहीं। ये सारिया गल्लां तुसीं उहनूं तोड़ के रख दिता।
मोदी नूं मजबूर करता। वो कहिंदे हुंदे ने भी जिहड़ा बहुत ही सख्त सख्त चीज़ होवे ना वो मुचदी नहीं हुंदी, टुट जाती है। मोदी 19 तरीक नूं टुट गया, टुटिया नहीं, टुट के डिग पिया, तुहाडे पैरां च डिग पिया। ये दुनिया भर में इतिहासिक जीत मनी जा रही है। इस इतिहासिक जीत नूं छोटी करके ना देखो, इस इतिहासिक जीत नूं लोगों ने मैनू एक साडा सुभाअ है ना पंजाबियों का, जिदन ये ऐलान किया मैनू अमरीका तो एक फोन आया कैलीफोर्निया तो, उहदे पिछे स्पीकर बजी जावे। मैं कहा पिछे स्पीकर कहदा बजदा, कहिंदे जी ये बजदा सारे पीण लगे ने भी अज कैलीफोर्निया की शराब मुका देनी है। तो इन्ना तो खुश ने लोग, अपने शहरां विच पंजाब च लड्डू मुक गए। शहरां वाले ने आप जिहड़े व्यापारी ने वह भंगड़े पाउण लग पए। मेरे छोटा जिहा शहर उत्थे कहिंदे डीजे ना लब्भे। तो एड्डी वड्डी खुशी सारी दुनिया ने मनाई, तां तुसीं इहदे खुशी दे इस जित दे सब तों वड्डे हकदार हो। मेरे कोल शब्द नहीं तुहाडा धन्नवाद करन लई, मेरे कोल शब्द नहीं उन्हां लोकां दा धन्नवाद करन लई जिहड़े आ कुंडली सिंघू साढ़े अलग अलग बॉर्डरां दे आले दुआले पिंडां वाले वसदे ने, उन्हां नूं किन्ना कष्ट होया, उहदे लई मैं उन्हां तों माफ़ी मंगदा। और ये मेरे कोल शब्द नहीं उन्हां लोकां दी सिफत करन दे जिन्होंने लंगर ला के इत्थे तुहाडी सेवा कीती। मेरे कोल शब्द नहीं NRI भरावां दी जिन्होंने हर तरह नाल तुहाडे नाल खड़े, आपो अपने जिथे वसदे ने उस देश विच वो तुहाडे हक च रोज़ चौंकां च खड़ के झंडे फड़ के तुहाडे हक च मुजाहरे करते रहे। मेरे कोल शब्द नहीं डाक्टरां दी सिफत करन दे जिन्होंने तुहाडे इस मोर्चे दे विच लगातार तुहाडी भी ते आले दुआले पिंडां दी भी सेवा कीती। बहुत लोकां ने इहदे नाल हमदर्दी रखी। आ चैनल ने तुहाडे कोल जिथे गोदी मीडिया अपना काम करदा सी, सोशल मीडिया ने तुहाडे इस अंदोलन नूं बुलंदियां ते पहुंचाया, उहदा भी धन्नवाद करना बणदा। मेरे कोल शब्द नहीं धन्नवाद करन लई। साडियां धार्मिक शख्सियतां बैठे ने, जथेदार रोडे जी साबका जथेदार ने अकाल तख्त दे, इन्हां ने जिवें साडी डट के हमायत कीती उह इन्हां दा भी धन्नवाद करना बणदा। बहुत तुसीं दिल जान तों पंजाबियां ने जिहड़े इत्थे नहीं भी सी अपने घरां च बैठे सी, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ 48,000 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ BJP ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ PSU ਰੋਜ਼ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੌਸਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ BJP ਇੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰਤੀ, ਕੀ ਕਹੀਏ। ਹਰ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ,
सब तो वो पंजाबी ट्रिब्यून ने जिमें सेवा की इस अंदोलन की वो धन्यवाद नहीं, मैं बेनती करेंगे जकारा छड़ के पंजाबी ट्रिब्यून की धन्यवाद कर दे। साढ़े गुरु की लाडलियां फौजां वह भी इतने लगातार बैठिया रही, हालांकि उन्होंने खेती तो विशा नहीं है, पर उन्होंने भी साढ़े नाल धरती से ढूंढियां रगड़ाइया, तो उन्होंने भी सारे धन्यवाद का जकारा छड़ दो। सारिया वो ताकत जिहड़ियां साढ़े नाल खड़ियां उन्होंने तह दिलों धन्यवाद। मेरे को शब्द नहीं, जे मैं उन्होंने भी जकारे बुलाउंदा रहा तो फिर होर कुछ कहने लई समां नहीं मिलना, तो मैं उन्हां तों खिमा चाहुंदा। असीं उन्हां दे दिलों धन्नवादी हाँ। हुण प्रोग्राम ये बने, एक मेरी बेनती है भी जिहड़ा प्रोग्राम तय किया है उहदे मुताबक चलना। परसों आपां ने इत्थों जाना है, पंजाब दे लोक मेरे कोल टैलीफोन आ रहे ने, उदण सारा पंजाब तुहाडे स्वागत लई सड़कां ते होएगा। लोगों ने तो तुसी सोचो लोगों दी भावनावां की ने, लोगों ने तुहाडा स्वागत करन वास्ते हवाई जहाज फुल सिटन लई कर ले। कल इस गल की मंजूरी लैण लई मेरे कोलों पंजाब दे चीफ सैकटरी नूं टैलीफोन करवाया, जिहड़ा अफसर मंजूरी दिंदा उहदे मंजूरी दवा आ साडा भाईचारा कहिंदा असीं स्वागत करना इन्हां नूं हवाई जहाज उड़ाउण की मंजूरी दे, अज उन्होंने लै ली होनी है। इसलिए मेरी बेनती है भी आपां 11 तरीक नूं सारे ने कट्ठे जलूस की शक्ल च जाना है, जिन्हें माण सत्कार नाल ओह तुहाडा सत्कार करन लई तुहाडा भाईचारा तैयार खड़ा है उन्हूं निराश नहीं होण देना, कट्ठिया ने जाना है। आपां 11 दसंबर नूं इह बॉर्डर तों सवेरे और उधर टीकरी बॉर्डर वाले टीकरी बॉर्डर तों सवेरे 9 बजे आपां आपो अपना समान लेके ट्रालियां लेके इत्थे खड़े होवांगे। एक मैं बेनती करदा, ये 2-4 दिनों में सारा समान पट्टिया नहीं जाना, इनू टाइम लगना है, घट्टो घट हफ्ता लगना है, पर जिन्या कदा हो गया वो 9 बजे परसों नूं सवेरे इत्थे KMP ते पहुँच जाण, उतों कट्ठे आपां सारे चलांगे ते शंभू जाके उत्थे लंगर दा वड्डा प्रबंध कीता है, रस्ते च भी हरियाणे वाले ने कीता है, उतों लंगर छक के अगे चलांगे ते जिहड़े दूर वाले जिले ने वो फतेहगढ़ साहब गुरद्वारा साहब रात ठहरनगे, ते जिहड़े नेड़े वाले ने लुधियाणे तक दे वो आपो अपने घरां नूं चले जाणगे, उहदे बाद अगले जिले ने फतेहगढ़ साहब तों अगले दिन मार्च करनगे। ये भी फैसला कीता है, हाँ ये भी फैसला किया है भी 13 दसंबर नूं आ जो कुछ होया मोर्चा असी नहीं लड़िया, अकाल पुरख की मेहर सी, बड़िया बड़िया बीजा डिगिया उन्हें संभाल लिया। तेरह दसंबर नूं दरबार साहब अकाल तख्त ते गुरु घर विच आपां सारे ने जाके हाजरी लाउणी है, शुकराना करना अकाल पुरख दा। बोले सोनिहाल, उत्थे कारां ते जावांगे। ये फैसला कीता है भी जिहड़े इधरों जाण वाले ने रोपड़ नवांशहर जलंधर लुधियाणा जिला ते मोहाली जिला ये ब्यास दरिया के पुल के कोल रुक जाएंगे, उतों कट्ठे काफिला बना के चलांगे। जिहड़े आउणगे फिरोजपुर बठिंडा फरीदकोट उन्हां जिलों तो मोगा जिला मानसा जिला वो मखू तिकोणी ते जाके रुकणगे और उतों 11 बजे उतों दरबार साहब नूं रवानगी होएगी। 15 दसंबर नूं सारे पंजाब विच जिहड़े 125 थावां ते होर मोर्चे लगे ने, किते पेट्रोल पंप रोके हुए ने, किते मॉल रोके हुए ने, किते आ जिहड़े हैगे
ਪੋਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਇਹ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਲੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਸਿਓਂ ਔਫਰਸ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਸਥਗਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ SKM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਊ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੂ, ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਠਿਓ ਨਾ ਜੀ ਉੱਠਿਓ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪਊ। ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਥੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, 1-2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। KFC ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਕਜਾਰੀਆ ਪੈਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਸੱਜਣ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, 1 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰੋਪਾ ਉਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਜਾਰੀਆ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੰਘਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ,
और बेनती करदा भाई जो परसों जाना है अपना समान समून बन के ध्यान नाल जाना है, कट्ठे जाना है, 9 बजे उतों तुरना है, के एम पी तो किसे तो अगे अगे भजा के निग ट्रैक्टर कढ़ने की कोशिश करनी। मैं उम्मीद करदा मेरा इन मेरिया इन्होंने बेनतियों को प्रवान करोगे। जिहड़ा उधर दूसरा दूसरे पासे हैगा टीकरी बॉर्डर, उन्होंने समाणे पातड़ां वालों उधरली सड़क जाना है, इदा जिहड़ियां नेड़े दे रस्ते ने सारे ने उत्थे नूं जाना है। आपां इत्थे वाले ने सीधे शंभू जाना है और शंभू तो अगे फिर तुहानूं तुहाडे भाई भाई भरा जिहड़े जिउंदे जागदे ने तुहाडा भाईचारा उह तुहाडा स्वागत करके अगे लै जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।